दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार 10 मई को सुनवाई करेगा। जस्टिस खन्ना ने एएसजी राजू से कहा कि आप कल जीएसटी बैच में बहस शुरू करें। राजू ने कहा कि केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कल है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि नहीं, यह परसों है। जहां तक अंतरिम आदेश आदि का सवाल है तो हम वह आदेश शुक्रवार 10 मई को पारित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 10 मई को अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर 10 मई को अपना आदेश सुनाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सरकार चलाने के लिए जेल में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ मीडिया में मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर सनसनीखेज खबरों पर रोक के लिए डाली गई याचिका को खारिज की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1,00,000 का जुर्माना भी लगाया। मीडिया कवरेज पर रोक से इनकार करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, क्या हमें आपातकाल या मार्शल लॉ लगा देना चाहिए? दरअसल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कम मतदाताओं द्वारा वोट किए जाने के बाद अधिक मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भोपाल के कई पोलिंग बूथों पर लॉटरी स्कीम का आयोजन किया गया था। इसी लॉटरी स्कीम में योगेश साहू ने सुबह 11 बजे हुए पहले ड्रॉ में हीरे की अंगूठी जीती। इसके बाद दोपहर को 2 बजे और शाम को 5 बजे भी दो अन्य ड्रॉ रखे गए थे और इसके बाद 9 मई को भोपाल में एक बम्पर ड्रॉ भी रखा गया है। लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तेलंगाना के दौरे पर रहे, जहां राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल किया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से शहजादे अपने अंबानी अडानी हमले पर चुप क्यों हो गए हैं। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और बताया कि राहुल गांधी ने कब कब अडानी और अंबानी का नाम लिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष अर्जुन खड़के ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वक्त बदल रहा है, दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चलता है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है, यही परिणाम के असली रुझान है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैम पित्तोद्रा ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़के ने स्वीकार कर लिया है। ये जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दी है। इस बाबत उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे सैम पित्तोद्रा अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। बयानबाजी की इसी कड़ी में बीते दिनों उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की थी। सैम पित्तोद्रा ने कहा था कि भारत ऐसा विविधतापूर्ण देश है जहां पूरब के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं। इसके बाद उन्होंने उत्तर के लोगों को गोरे यानी कि अंग्रेज और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन जैसा बताया था। उन्होंने कहा कि यह विविधता भारत की पहचान है, हर कोई इसमें विश्वास करता है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।